मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से बच्चे की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि यूपी पुलिस एक और एनकाउंटर के मामले में फंस गई है। इस बार गवाही कोई और नहीं बल्कि एक वीडियो दे रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं। गौर से देख लीजिए इस वीडियो को। आपको बता दें कि इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि पुलिस कुख्यात बदमाश मनोज को गिरफ्तार करके ले गई थी। अब आपको यह भी बता दें कि इसमें ट्विस्ट क्या है। दरअसल मंगलवार को पुलिस ने यह दावा किया था कि वृंदावन में एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मनोज नाम के एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें मनोज के अलावा एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया। ये देखिए, अस्पताल के बिस्तर पर बदमाश मनोज और पुलिस अधिकारी घायल लेटे हैं, लेकिन बुधवार को एक सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस महकमे में भूचाल मचा दिया। एनकाउंटर का ठीक अगले दिन यानी बुधवार को एक वीडियो के जरिए बदमाश मनोज के परिजनों ने इस एनकाउंटर पर संदेह जताया। मनोज के परिजनों का दावा है कि वो एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था, जहां पुलिस ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और बाद में इसे एनकाउंटर का रूप दे दिया। ये वीडियो भी पड़ोसी के सीसीटीवी का बताया जा रहा है। हालांकि किसके दावे में कितना दम है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मथुरा।